दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में तह दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 505 दवाई जो इंसेक्टिसाइड आती है, कीटनाशक आती है। किसान भाई इस दवाई से वाकिफ़ होंगे बहुत से किसान, लगभग सभी किसान इस दवा को जानते होंगे कि ये कीटनाशक है, ये कीटों को मारने के लिए काम आती है। तो कि इसके बारे में एक अफवाह होती है कि बहुत से किसान इसकी पूरी जानकारी नहीं जानते कि ये कौन कौन से फसल में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानने मिलेगी कि 505 दवाई को हम कौन कौन सी फसल में यूज़ कर सकते हैं, इसकी टेक्निकल क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी डोज क्या है। तो बनी रही इस वीडियो में लास्ट तक। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले मैं 505 जो कीटनाशक आती है उसकी टेक्निकल की बात करूं तो क्लोरपाइरीफास 50%, इसमें दो टेक्निकल होती है, साइपरमेथ्रिन 5% ईसी के फॉर्म में इसमें कंटेंट होती है। तो ये जो 505 है, इस वजह से इसको हम 505 बोलते हैं क्योंकि 50% इसमें क्लोरपाइरीफास व 5% साइपरमेथ्रिन होती है। इस वजह से इसको दोनों को मिलाकर हम इस दवाई का नाम 505 रखी है कंपनी ने। तो किसान साथियों, दूसरी बात इसकी बात की जाए तो मोड ऑफ एक्शन की, तो इसमें कॉन्टैक्ट, सिस्टेमिक दोनों प्रकार की मोड ऑफ एक्शन इस कीटनाशक में आपको देखने मिलेगी। कॉन्टैक्ट मतलब कीट को सीधे पड़ते ही ये मार देती है, तो सिस्टेमिक पौधों के सिस्टम में घुल जाती है, उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर देती है, इससे कीड़े मर जाती है। तो इस प्रकार आपने इसकी मोड ऑफ एक्शन जान लिया होगा। ये फ्यूमिगेंट एक्शन के साथ भी काम करती है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों जो 505 जो दवाई आती है वो बहुत से किसान इसको सभी प्रकार के फसलों में यूज़ कर देते हैं, लेकिन कंपनी इसको दो प्रकार की फसलों के लिए रिकमेंड करती है। 505 दवाई जब फूल आ जाती है उस अवस्था में हम किसी भी पौधों में इसको का स्प्रे लेते हैं तो पौधों की जो पत्तियों पर भी असर डालती है, साथ साथ ये फूलों को झड़ा भी सकती है। इस प्रकार इसका उपयोग आप जब पौधों में फूल आ रही हो तो उस अवस्था में इसको ना करिएगा क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। तो बात करें अगर 505 के रिकमेंडेशन की, तो कंपनी इसको दो फसलों में रिकमेंड करती है, एक है कॉटन और एक राइस। कॉटन कपास में अगर बात करें कौन कौन से कीड़ों को नियंत्रण करने में ये काम आती है मुख्यतः, तो ये एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई, अमेरिकन बॉलवार्म, स्पॉटेड बॉलवार्म और इन सभी कीटों को नियंत्रण करने में ये 505 जो है कारगर साबित हुई है। बात करें धान की फसल या पैडी की फसल में 505 का जो स्प्रे किसान करते हैं वो मुख्यतः तना छेदक के कीटों को नियंत्रण करने के लिए सक्षम है या कारगर साबित हुई है। ये लीफ फोल्डर को भी नियंत्रण करने में सक्षम है किसान भाइयों। तो पैडी की फसल में इसको आप स्टेम बोरर के लिए, तना छेदक के लिए या लीफ फोल्डर के लिए स्प्रे ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है 505 क्लोरपाइरीफास 50% हुआ, साइपरमेथ्रिन 5% ईसी जो दवाई आती है विभिन्न विभिन्न नामों से हमारे कीटनाशक की दुकान में मिलती है। तो इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 40 ml 20 लीटर वाटर में इसको पर टंकी के हिसाब से आप बना सकते हैं। कई किसान इसको 50 ml 20 लीटर वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये 40 ml कंपनी इसको रिकमेंड करती है 20 लीटर वाटर के लिए। इसको 16 लीटर वाली टंकी में भी आप स्प्रे ले सकते हैं। अब इसकी प्राइस की बात की जाए, एक लीटर की प्राइस की, तो आपके मार्केट के अनुसार इसकी प्राइस अलग अलग हो सकती है। अभी इसकी प्राइस की बात की जाए, एक लीटर की प्राइस अभी इसकी 650 रुपया पर लीटर आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनी का आपको 505 जो है लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो ब्रांडेड कंपनी होती है वो दवाई की जो क्वालिटी है उसमें अच्छी हमको देखने मिलती है। तो ये विभिन्न विभिन्न नामों से हम बात करें तो UPL कंपनी की 505 आती है, टाटा की आती है, बिल्बो भारत कंपनी की 505 आती है, इसके साथ साथ ये अग्नि नाम से और बहुत से नामों से आपको ये दवाइयाँ मिल जाएगी। तो 505 आप अच्छी कंपनी का लेकर, या ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम की एक्शन 505 के नाम से आती है, तो अनेक नामों से ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जान गए होंगे कि 505 का स्प्रे आप कौन से फसल में, किस अवस्था में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे और उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों
तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।